नमस्कार किसान भाई। किसान भाई, आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि जहाँ अगर आपने बोरवेल करा रखा है, स्टार्टिंग में अगर आप मोटर चलाते हैं, साफ पानी आ रहा है और उसके बाद मिट्टी आने लगती है या फिर गंदा पानी आने लगता है, तो क्या रीजन है और कैसे सही हो सकता है। दोस्तों, इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से आपने कोई भी बोरवेल करवा रखा है, जैसे हम एक किसान भाई का कॉमेंट था कि मैंने 280 फुट तक बोरवेल करवा रखा है, सॉरी 290 फिट तक बोरवेल करा रखा है और 280 पाइप्स डाल रखे, मतलब एक पाइप 10 फिट की होती है, तो 10 फिट तो ऊपर रहते ही ये नॉर्मल मोटर, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टार्टिंग में मोटर चलाता हूँ तो थोड़ी देर तक साफ पानी आता है, जैसे कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कई बार टाइम ज़्यादा, कई बार कम लगता है, और बाद में गंदा आने लगता है। दोस्तों, होता क्या है, नीचे के जो सिस्टम है, जब आप मोटर बंद कर देते हो उसके बाद पानी साइड में से झरके, जो फिल्टर होते हैं, फिल्टर में से मतलब स्थिर होकर धीरे धीरे साफ हो जाता है और वो रुका हुआ पानी बिल्कुल साफ, जैसे कि अगर आप कहीं भी कोई बाल्टी के अंदर भी पानी, गंदा पानी रखते हैं और थोड़े से टाइम बाद उसको देखते हैं तो मिट्टी नीचे की तरफ रह जाती है और साफ पानी हो जाता है। तो वैसे ही नीचे वर्क करता है कि मिट्टी और वगैरह नीचे बैठ जाती है और साफ पानी हो जाता है। जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं काफी टाइम बाद, जैसे 6 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, तो जो स्टार्ट करते हैं जो साफ पानी है वो आप उठाते हैं और उसके बाद साइड में से उस समय मिट्टी के अंदर से झरके जो पानी आता है वो आपका गंदा आता है। अब इसमें होता क्या है, जो फिल्टर आपने यूज किए ये क्या है, थोड़ा सा टाइम लेता है, समय। अगर आप जैसे जैसे आपका बोर पुराना होता जाएगा, उस फिल्टर के पास में कंकर लगते जाएंगे और मिट्टी काफी कम हो जाएगी। जहां रेतीली मिट्टी होती है जमीन के अंदर ज्यादा, वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है पानी को साफ होने, मतलब कई बार 1, 2, 3, 4, 5 साल भी लग जाते हैं। और जहाँ मिट्टी नीचे की तरफ पक्की होती है, मतलब चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, जो मिट्टियाँ होती हैं, इसमें क्या थोड़े टाइम तक ही आपके बोरे में मिट्टी आएगी, बाद में मिट्टी बहुत ही जल्दी पानी साफ हो जाता है, क्योंकि वो पानी मिट्टी खोरता नहीं है, समझ गए। तो यही एक मोस्टली कारण होता है। अब इसका इलाज की बात करें तो इसका आप अलग से कोई इलाज नहीं कर सकते, और सबसे बेस्ट अगर एक इलाज की बात करूँ तो वो है कि आप जितने एचपी की मोटर यूज करें, मान लीजिए आप 10 एचपी की मोटर उसमें डाल रखें, तो उसमें अगर आपको थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा तो उसमें आप 20 से 25 एचपी की मोटर जो किराए पर मिलती है कैप्टिव उठाने के लिए, वो लाकर करीबन 10 से 12-15 घंटा एक साथ लगातार चला दें, जिससे क्या होगा आपके आसपास का जो मिट्टी पानी सा मिट्टी होगा वो सारा सा बाहर आ जाएगा, और बाद में आप जैसे 10 एचपी मोटर डालेंगे तो आपकी इतनी मिट्टी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आप अपने बोरवेल का जो मिट्टी आने वाली समस्या उसको सही कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई और अलग से इलाज नहीं है। अब बात करें, जो लोग ने देखा होगा कई बार के बोरवेल के अंदर पाइप डाल के बोरवेल साफ कराते हैं, वो होता है जब बोरवेल बंद हो जाता है, बोरवेल चोक हो जाता है। चोक किसे कहते हैं, जब बोरवेल के जो फिल्टर से वो बंद हो जाते हैं, उसके अंदर आगे काफी मिट्टी या फिर कंकर लग जाते हैं जिसमें से पानी फिल्टर होकर अंदर नहीं आ पाता, उस समय उस पानी को बाहर से एक पाइप डाल के हाई प्रेशर से नीचे पानी छोड़ा जाता है, जिससे कि जो पास में लगी मिट्टी है वो साफ हो जाए और फिल्टर खुल जाए, उसके बाद बोरवेल सही चलाए। तो वो चीज इसमें कारगर नहीं रहेगी क्योंकि आपके बोरवेल में पहले से पानी आ रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा है, पानी बंद की जगह वो समस्या होती है, तो वहां वो सोल्यूशन किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर एक ही सोल्यूशन है कि आप जितने एचपी की भी मोटर यूज कर रहे हैं उससे दुगनी एचपी की मोटर ला के एक और चला के काफी, तो जैसे 10, 12, 15 घंटे जितना आप चला सकें उतना लगातार चलाइए, लगातार ये वैसे जाने लगातार चलाइए और आपकी जगह थोड़ी सही हो जाएगी। उसके बाद आप जब पुरानी मोटर डालोगे अपनी 10 एचपी या छोटी मोटर जो भी है, वो थोड़े से टाइम में मिट्टी देगी और बाद में जल्दी ही साफ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल हो कमेंट जरूर करें, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।